आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। आज किसी भी यूथ से बात करो तो उसे लगता है कि इस दुनिया में जितनी प्रॉब्लम है सारी उसी पे आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जेडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल को आवर ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। आज किसी भी यूथ से बात करो तो उसे लगता है कि इस दुनिया में जितनी प्रॉब्लम है सारी उसी पे आई हुई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है और क्या बेसिक प्रॉब्लम है जो यूथ को नहीं करनी चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है दे वांट टू प्लीज एवरीवन, वो सबको खुश करना चाहते हैं। और इसको जब वो करते हैं ऐसा बिहेवियर कि सबको खुश करते हैं तो उनका जो एग्जैक्ट बिहेवियर है, जो उनका अपना बिहेवियर है, उसको वो भूल जाते हैं। और जब वो उसको भूल जाते हैं तो उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होने लगती है, क्योंकि एक्चुअल बिहेवियर तो है नहीं, माइंड उस बात को गलत लेता है, कॉन्शियस आपको रोकता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के हमारे वीडियोज आप देख सकते हैं, हमारी वॉल पे अवेलेबल है। तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने के बाद क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, एंगर बढ़ जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा। आज देखिए आप टीनेज और यूथ में बहुत ज्यादा एंगर मिलेगा आपको। उसकी वजह यही है कि दे वांट टू प्लीज एवरीवन, वो सबको खुश करना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसका बेसिक है, आप इसको ऐसे समझिए, आज तक हिंदू जो अपनी हिस्ट्री है, हिंदू शास्त्र है, उसके मुताबिक भगवान राम से बड़ा कोई अवतार नहीं हुआ, क्योंकि वो मर्यादित अवतार थे। उनकी जो मर्यादा की उन्होंने जो रक्षा की है वो बहुत ही आइडियल है। उन वो भी सबको खुश नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाएंगे? बड़ा सिंपल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ऑलवेज ट्राई टू बिहेव योर ओरिजिनल बिहेवियर जैसा है। दूसरे को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको स्पेसिफिकेटेड ढंग से, उसको पोलाइट ढंग से यूज करेंगे तो आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगी और इससे आपका जो एंगर है वो कम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है दे डोंट प्लान फॉर द थिंग। प्लानिंग नहीं करेंगे तो प्लानिंग के आगे के जो स्टेप है एनालाइजिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, वो नहीं होगा। तो जब वो प्लान नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? बड़ा आसान है, इम्पल्सिव डिसीजन होंगे। जैसे आपने बजट प्लान नहीं किया मैरिज के लिए और सडनली मैरिज में चले गए तो बहुत सारे इम्पल्सिव डिसीजन, ये काम कर दो ये मत करो, ये काम कर दो ये मत करो, तो उससे क्या है? इम्पल्सिव डिसीजन से डिसीजन को गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, और गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी तो मैक्सिमम मिस्टेक आपका जो रेशियो है वो अगर 10 की स्केल पे आप कम मिस्टेक करते हैं, 2 या 3 करते हैं, वो 5 या 6 करने लगेंगे और विच विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर लाइफ। सो ऑलवेज प्लान द थिंग्स। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, मटेरियलिस्टिक इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं। मटेरियलिस्टिक मीन्स मॉनेटरी इंप्रेशन। अगर आज वो खुद मान लो 5 लाख की गाड़ी खरीद सकता है या 5 लाख की गाड़ी में वो कंफर्टेबल है तो वो क्या करता है? नहीं, लोगों पर इंप्रेशन करना 10 लाख की गाड़ी। अगर वो आज 3-स्टार होटल अफोर्ड कर सकता है, पार्टी देने 5-स्टार होटल, तो इस तरह वो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें लाइफ की ऐड करता है और किन लोगों के लिए, जिन लोगों को वो इम्प्रेस करना चाहता है। कई बार हमें लगता है कि वो लोग मेरे से इससे इम्प्रेस हो जाएंगे, बट यही हम सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं यूथ एज में। वो लोग अपना इंजॉय करते हैं और जिस टाइम उनको एंजॉयमेंट पूरा हो जाता है दे शिफ्ट समवेयर एल्स, और जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो आप बड़े अनॉयड हो जाते हो, बड़े दुखी हो जाते हो, आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे जैसे वो फ्रस्ट्रेशन होगी तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे तो स्ट्रेस लेवल वैसे ही बहुत हाई रहेगा। तो कोशिश करिए मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है उसको लिमिट में यूज करने की। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, हाई ड्रीम वर्ल्ड। सपनों की दुनिया बहुत बड़ी क्रिएट कर देते हैं, और ड्रीम वर्ल्ड क्या है? आपको फैक्ट्स एंड फिगर से दूर कर देता है। फैक्ट्स एंड फिगर क्या है? आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, दोनों ही चीजें हम बनाते ही नहीं। जब हम गोल नहीं बनाएंगे और विजन नहीं बनाएंगे तो ड्रीम वर्ल्ड में क्या है,
फ्लक्चुएशन बहुत हाई रहता है। आप अपने कोई भी सपना लेते हैं तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन जो भी समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आज वो कोई और ड्रीम होगा, कल उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो फैक्ट्स से बहुत दूर है। जैसे जैसे अमेंडमेंट होगी, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा, और कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड होने की वजह से आप गोल जो बना नहीं रहे हैं, तो जो छोटा मोटा कोई गोल बनाया उसको गिव अप करने लगेंगे, बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। मेरे से नहीं होता है काम, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैंने स्टार्टअप लगाया था वो चलेगा नहीं, तो हम गिव अप मोड में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो कोशिश करिए, पूरा प्रॉपर प्लान करिए, एंड एनालाइज, इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल, एंड इफ यू फील सम प्रोफेशनल हेल्प आर रिक्वायर्ड, देयर आर द प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू इन दिस। बी स्टिक टू योर प्लान। आगे चलते हैं, लीव लर्निंग हैबिट्स। सीखने की जो हैबिट है ना वो छोड़ देते हैं। दे ऑलवेज से बस बहुत हो गया, किसी से भी बात करो, अरे इंजीनियरिंग कर लिया, या मैंने एंटर कर लिया, आप नहीं, आप पढ़ा नहीं जाता। बस नॉलेज और लर्निंग जिस दिन आपने छोड़ दिया, आप सोशल ही नहीं, आप एनिमल हो गए। और अगर आप एनिमल हो गए तो आप अपने आप को सोशल एनिमल कैसे बोल सकते हैं, इंसान कैसे बोल सकते हैं? तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें सिंपल और समझने की जरूरत है कि नॉलेज और लर्निंग कभी नहीं छोड़नी। हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका भी एक बजट होना चाहिए कि ये सर मेरे को अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग, अपनी थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना है। और अगर आप ये 5 बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल 50% से ज्यादा से कम हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालेंगे ज्यादा खुशी होगी, अदरवाइज आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।